देखिए स्टाफ स्टाफ दोनों अंदर चले गए हैं, वॉशरूम के अंदर दोनों स्टाफ छुप गए हैं, इनके दोनों स्टाफ छुप गए हैं, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है, इनसे सवाल पूछा, इनके पास कोई जवाब नहीं। यहाँ पे जो नवीन थे, उनकी उनकी जो मिसिस हैं, उनके द्वारा ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से रन किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गोरख धंधा चलाया जा रहा है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं सिलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है, खुले में सिलेंडर रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि दो बार सिलेंडर फट चुके हैं, और उसके बाद आसपास के लोगों ने बहुत शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पैसे के आगे कोई भी सुनवाई नहीं होती, साफ तौर पे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां 7 बच्चों की जान चली जाती है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, और यहां पर केवल कहा जाता है कि जांच हो रही है, लेकिन दिल्ली में इस प्रकार से गोरख जो अस्पताल चला रहे, क्लिनिक चला रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए आप किस प्रकार से पूरी तरीके से जो सुरक्षा को मद्देनजर एकदम दरकिनार करते हुए सुरक्षा को पूर्ण रूप से दरकिनार करते हुए इस तरह के क्लिनिक अस्पताल चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। आनन फानन में यहाँ पे सिलेंडर की गाड़ी को मंगवाया गया, और जो तमाम सिलेंडर थे उनको यहाँ से ये तमाम सिलेंडर को निकाल करके इस गाड़ी में लोड करवाया गया। देखिए अभी भी सिलेंडर लोड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे गाड़ी आई है ऑक्सीजन की गाड़ी, वो वापस सिलेंडर लेके जा रही थी। यहाँ देखिए ये गाड़ी आई है ऑक्सीजन की और वापस सिलेंडर ले जा रही थी। कई भरे सिलेंडर को वो वापस रखा गया है, आनन फानन में रखा गया है पूरे भरे सिलेंडर को। तो सवाल या निशान ये उठता है कि इस तरीके से जो क्लिनिक है, जो अस्पताल है, वो दिल्ली में रन हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन बच्चों की मौत हो जाती है और एक परिवार बिल पूर्ण रूप से यहाँ पे अपने बच्चों के तलाश में रोड पे इधर से उधर भटकता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, और ये लोग गोरख धंधा अपना चलाते हुए दिखते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो पैसे वाले हैं उनको क्या पता है किसी परिवार का दर्द, और जो परिवार हमने देखा जिनके आंखों में आंसू थे, वो लगातार अपने बच्चों की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे। उनका कहना था कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम आपसे लगातार हम अपने श्रोताओं को ये दिखाने की कोशिश करें, ये वही अस्पताल है जिस अस्पताल में हमने एक तस्वीर देखी थी जहाँ पे 7 बच्चों की मौत हो गई थी, और यहाँ पे कुछ स्थानीय भी है। आपने शिकायत की थी? हम लोगों ने शिकायत बकायदे की थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से है हमारा जो है सिलेंडर हटा, उस दिन शुक्र है ब्लास्ट नहीं हुआ, तो बस बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो चुका है। पॉल्यूशन की वजह से ना मरे हैं मिस्टर भंडारी, और जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था तब लैंड से सिलेंडर दिए, एम्बुलेंस अंदर अर्थिंग करी हुई है, तो लैब भी बनी है, दिखाओ इधर लाओ, ये दिखाते हैं उनको। बारिश के दिनों में इसके अंदर करंट आता है। अभी यहीं पे रहती हैं? हाँ जी। तो इस तरीके से जो अस्पताल चल रहा है, आप लोगों ने शिकायत नहीं की? करते हैं, सेफ्टी इशू तो है ही, कमर्शियल एरिया तो है नहीं, रेजिडेंशियल एरिया है, तो ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं होनी चाहिए ना, ये तो है ही, प्रॉब्लम्स तो है। कमर्शियल एरिया नहीं है ये, एक आम लोगों का रहने वाला एक स्थान है, रेजिडेंशियल इलाका है, और वहाँ पर जनता क्वार्टर है, और साफ तौर पर उसके आगे इस तरीके से एक क्लिनिक बनाया गया है। और यहाँ पे देखे, यहाँ पे बिल्कुल हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से इन्होंने गोरख धंधा एक यहाँ पे खोल कर रखा है, और लोगों की जान की फिक्र नहीं है, बच्चों की जान की फिक्र नहीं। देखे सिलेंडर वाले फिर आ गए यहाँ से सिलेंडर हटाने के लिए, सिलेंडर हटा रहे हैं यहाँ से, बोलिए ना। हाँ, बच्चों की जान चली गई है भाई, सिलेंडर हटा रहे हैं आप लोग, सिलेंडर तो ले जाएंगे ही, नहीं सिलेंडर ले जाएंगे, भरा भी सिलेंडर कहाँ, क्या हुआ भैया, क्या कह रहे हो आप लोग, कौन आपको बुलाया, किसी ने बुलाया होगा ना भैया, ये रोज आते हैं यहाँ पे, खाली सिलेंडर लेके जाते हैं, भरे छोड़ के जाते हैं, नहीं आते रोज तो नहीं आते हैं, रोज आते हैं, हमने देखा कि भरा सिलेंडर भी उठा के, भैया कहाँ उठाया भरे सिलेंडर, तो आपके सामने हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है भाई, कैमरे में रिकॉर्ड है भाई, इनसे खुद पूछ लो, जो उठाने वाले इनसे खुद पूछ लो, आप लोग नहीं ले जा रहे, अब वो ऊपर जो है पन्नी फटी रहती है उसमें जैसे लगाए रहते हैं ना भारा सिलेंडर, देखो आनंद फान में आप पूरा सब सिलेंडर लेके जा रहे हैं भैया, पूरा नहीं ले जा रहे, देखो कहाँ है आपके ओनर कहाँ है, जागृत मुझे नहीं पता भैया, कितने मरीज है ऊपर, कितने मरीज है ऊपर, कुछ भी नहीं है ऊपर, कोई भी मरीज नहीं है, सिलेंडर लगा हुआ था बस, अरे भैया खाली से, कोई भी मरीज नहीं है भैया, जो मेरी बात सुनिए, मैं चौकीदारी करता हूँ यहाँ पे, मैं कोई भी मरीज नहीं है, सुनो मेरी बात, मैं ड्यूटी पे आया हूँ, मैं जो खाली सिलेंडर की गाड़ी आपके सामने आई है अभी, यहाँ पे कोई भी बच्चा है कि नहीं,
ऊपर कोई नहीं है बच्चा, कोई नहीं है कहीं। कब खाली हो गया? कब खाली? मुझे नहीं पता इस बारे में। कल खाली कर। मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं रहता, मेरी दिन की ड्यूटी होती है, तो मैं दिन में अभी ड्यूटी पे आया हूँ। मैं नहीं, कब खाली करवा? इनका एक और सेंटर है हरियाणा में भी, एक सेंटर। मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं नया लगा हूँ भैया, मुझे नहीं पता इनके बारे में। दिखाइए, चलिए दिखाइए तो, कहाँ खाली है पूरा? भैया क्या दिखाऊँ मैं आपको? मैं खाली है, दिखाइए तो खाली। खाली क्या दिखा? अरे सात बच्चों की जान चले गई है, आप लोग और धंधा खोल कर रखे, आपको ऑथराइज नहीं। आप ऑथराइज कहाँ से लिखा है? हम कोई है ही नहीं अंदर, बताओ कौन? आप दिखाइए तो बच्चे हैं कि नहीं? दिखाओ तो, दिखाओ तो, दिखाओ तो, दिखाओ। कितनी दिखा रहे हो? अरे दिखाओ ना, आप दिखा क्यों नहीं रहे? अंदर दिखाओ, आप दिखा क्यों नहीं रहे हो? आप दिखाओ, 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 आप अंदर चलो। नहीं खुद जाके नहीं, हमें रास्ता थोड़ी पता है, आप दिखाओ ना। आप जब बोल रहे हो कि कोई नहीं है अंदर, नहीं नहीं आप दिखाओ, दिखाओ, आप दिखाओ। हम अंदर जा रहे हैं, देखिए ये हमें लेके जा रहे हैं। देखिए हम ऊपर फ्लोर पे जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। कोई नहीं है भैया, देख लो। नहीं कल तो आसपास के लोग तो बोल रहे हैं कि आनंद फानंद में सब खाली करवाया गया। भाई मुझे नहीं पता, मैं उस दिन में ड्यूटी पे आया हूं, मुझे बताओ। आनंद फानंद में सब खाली करवाया गया? भैया मुझे नहीं पता, मैं देखो खाली पड़ा, देखो देखो चप्पल तो है सबके, चप्पल तो है, कोई है तो नहीं। ऐसे तो बेड भी है भैया, ऐसे तो बेड भी है। लाइट लाइट जलाइएगा, लाइट ऐसे तो बेड भी है। लाइट जलाइएगा, ऐसे तो बेड भी है। लाइट जलाइएगा, सफाई तो होती है ना। लाइट जलाइएगा, लाइट जलाइएगा, लाइट जलाइएगा। देखिए देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आनंद फानंद में जो लोग आप